सो हाई फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैं सांभर बना रही हूँ, तो कैसे बना रही हूँ आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सी और क्विक रेसिपी है सांभर की। ये और ये सांभर रेडी है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हो रहा था और बड़ी क्विकली बन जाता है। मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स थे, मतलब सब्जी इतनी नहीं थी, तो जो था उसमें मैंने ऐसे ही बना लिया। चैनल में कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होगा, भले चंगे होंगे। और अभी मैं सुबह से अब फुर्सत हुई, अभी शाम के पता कितनी बजे 6:30 हो गए, मेरे को मंदिर में लाइट भी चल रही है, 6:30 हो गए। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बालकनी, पीछे सोना सोना लग रहा है ना, बालकनी में हूँ और यहाँ पे मैं कुछ कुछ कर रही हूँ ना, ये देखो। कल मैंने फिर थोड़े बहुत पेंट किए प्लांट्स को, और क्योंकि उस दिन एक एक कोट ही किया था, नीचे गली में ना शोर हो रहा है, तो एक एक कोट ही किया था। फिर अभी दोबारा से सारे पेंट करके, रीपेंट करके, मतलब कल आधे रीपेंट किए थे, आज फुल रीपेंट कर दिए हैं। और अब जो है इनको प्लेस कर रही थी, और ऊपर वाली जो रॉड है ना, उसको भी मैंने क्रीमी येलो कलर में पेंट किया है, बहुत लाइट टेक्सचर है। और प्लांट्स जो मैंने पेंट प्लांटर जो पेंट किया ना, वो भी
बेबी पिंक कलर और बहुत ही लाइट क्रीमी स्काई ब्लू कलर होता है, जैसे पूल ब्लू या फिर क्या हाँ पूल ब्लू बोलते हैं उसको, और एक स्काई ब्लू पर क्रीमी सा टेक्सचर, बहुत लाइट कलर है, उसमें पेंट किए हैं। तो उनको प्लेस कर रही थी और कुछ कुछ फूलियाँ ठीक कर रही थी बालकनी का। काफ़ी दिन से मैंने इस पर मैस मचा रखा था। एक तो क्या हुआ है आजकल बालकनी ना बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग बाहर आना जाना नहीं है तो मोस्टली हम लोग यहीं पर बैठे रहते हैं, और क्या है और बालकनी में सामान ही बहुत ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि जितना भी सब्जी ग्रॉसरी में लेके आ रही हूँ तो सब बालकनी में रख दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बालकनी में आना जाना हो रहा है और बहुत ज़्यादा सामान भी यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर दूँ ताकि सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँ, क्योंकि मेरे घर में एक ही बालकनी जिसमें मैं सारा सामान रखती हूँ, यानी कि अपना माई की साइकिल भी यहाँ पे, हमारा गैस सिलेंडर भी यहीं पे है, सारा कुछ यहीं पे, और मेरे प्लांट्स जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत शौक है, तो वो भी यहीं पे ही हैं, क्योंकि मैं अंदर रख नहीं सकती। तो ऐसा है, बहुत सारा काम हो चुका है, अभी नंदन भी मेरी हेल्प कर रहे थे इस इन सब चीज़ों में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा आरओ ठीक हो गया। एक्चुअली अभी हमने आरओ के लिए बुलाया था, वो क्या बोलते हैं उनको, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आते हैं सर्विस के लिए, तो वो आए क्योंकि अब थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है। उससे पहले तो लॉकडाउन हुआ था तो वो आ भी नहीं सकते थे और आ भी नहीं रहे थे, पर अब लॉकडाउन थोड़ा सा दिल्ली में इनिशियली खुल गया है, उन्होंने हमारा सर्विस कर दिया आरओ को, और अब हम अपना पानी पी सकते हैं आरओ से। तो मैं आपको दिखाऊंगी सर्विस करने के बाद मेरा आरओ कैसा लगता है। एक्चुअली वैसा ही लगता है जैसे पहले था, कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा साफ़ हो गया सर्विस करके तो ऐसा था, पर मैं पिछले 2-1.5 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ, मतलब जनता कर्फ्यू वाले दिन से, जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले से, सैटरडे से मेरे आरओ में जान ना रही, वो पानी देना बंद कर रहा था, नहीं दे रहा था। और मिस माहिका ये रही, हेलो मिस माहिका। मिस माइका ने ना प्रिटी गर्ल बनी है, इसने बड़ा प्रिटी सा ड्रेस पहना है। हेलो बोल दो, हेलो कैसे हो भाई। ये माइका ना बालकनी देखती है, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है ना। हेलो कर दो चलो पहले, अच्छा हेलो उधर करते हैं और फेस इधर करते हैं, उधर देख के हेलो। अच्छा प्यारी भी कर दी आप लोगों को। तो ये था, काम चल रहा है और ये खाली खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि वो जो मेरी मनी प्लांट की जो बेल है ना, वो मैंने इस साइड यहाँ रख दी है, क्योंकि उस पर पेंट किया हुआ है येलो कलर की रॉड के ऊपर जो है ना, वो उस पर येलो क्रीमी येलो कलर का मैंने पेंट किया, इस वजह से जो है इसको यहाँ टांग दिया है। और नंदन मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे अभी, और अब वो गए चाय बनाने। वो सिर्फ एक काम करते हैं, वो चाय बनाते हैं, क्योंकि वो चाय लवर है, टी लवर, इसलिए वो चाय बनाने के लिए कभी आनाकानी नहीं करती और बहुत ही एक्साइटमेंट में चाय बना लेते हैं फटाफट। और मुझे चाय पसंद नहीं है, और मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो चलिए करते हैं लंच के बाद, मैं आपसे अभी मिल रही हूँ। पूरा टाइम मतलब लंच मेरा 12:30 बजे बन गया था, जो मैंने आपको दिखाया आज सांभर और चावल बनाए थे, और सांभर अभी बचा हुआ है तो देख सोच रही हूँ कुछ उसके साथ ऐसे मिक्स एंड मैच बना लूँ तो काम बचाओ इसलिए एक टाइम बनाओ, 3 टाइम खाओ वाला हिसाब किताब है आज। हेलो भैया। हेलो नहीं, इधर देखो उधर, अच्छा छत पे किसी को हेलो भैया बोल, छत पे सामने की छत पे कोई है। तो चलिए मिलते हैं, थोड़ा सा मैस क्लियर कर लूँ फिर मिलती हूँ। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये नंदन ने मेरे गाना कौन सा लगाया, कैसा गाना लगाया मैंने, खाई नहीं मेरी मोटो। क्या है आपके हाथ में? अंगूठी। अंगूठी? अंगूठी किसे बोलते हैं? अंगूठी। अंगूठी बोलते किसको है? अंगूठी। कहाँ पहनते हैं अंगूठी? अंगूठी। अच्छा माइका ने अपने हेयर बॉय, दिखाओ अपना ये जो हार्ट है ना रबड़ का, इधर से निकाल दिया है। ये ऐसी हरकतें करती है लड़की, और अभी से अंगूठी बोल रही है। खोलो खुलता। खुलता नहीं है ये, ओह नो। एक दो स्टार्ट, 1-2-3 स्टार्ट होता है, 1-2 स्टार्ट नहीं होता। अच्छा क्या देख रहे हो,
क्या देख रहे हो? क्या माइका ड्रेस है? माइका की चोटी कहाँ है? ओके, चोटी निकाल के, अभी तो बोल रहे थे अंगूठी, अब चोटी हो गई? अभी तो चोटी बोला आपने, अभी तो चोटी बोला कि चोटी है, अंगूठी है। ओके, अच्छा मैंने देखा ये अंगूठी है। तो माइका से पूछो ना चाय पीना है, तो उसके पापा हमेशा, उसके पापा से अगर पूछो चाय पीना तो हमेशा रिप्लाई करते हैं थोड़ा सा। तो माइका से जब पूछो ना चाय पीना है तो वो भी उनके ना जोक बनाते हुए बोलती है थोड़ा अच्छा। अभी पूछती हूँ, माही चाय पीना है? अच्छा पहले एक्ट करके दिखाओ कैसे करते, थोड़ा ऐसे बोलो नहीं, कैसे करते थोड़ा सा कैसे करते हैं? माही चाय पीना है? थोड़ा सा कितना? थोड़ा सा माही से जब भी पूछो चाय पीना है तो वैसे बोलेगी थोड़ा अच्छा। माही चाय पीना है? पी लो ना थोड़ा अच्छा। आरू चालू कर दिया मैंने और हमारा आरू अब चलने लगा है। लाइट चल रही ना ऊपर, कहाँ गई ये रही। अरे भाई ये रही, तो ये लाइट जो है चल नहीं रही थी, पानी फिल्टर नहीं हो रहा था और ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, पर अब सर्विस हो गई है। पर हमारे यहाँ ना इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आरओ की, क्योंकि मेरे को जब भी मैं आरओ वाला आता है ना तो हमारा TDS वगैरह चेक करता है पानी का, तो 140 कुछ है, इतना पानी पी सकते हैं। हमारे जल बोर्ड का जो पानी आता है दिल्ली जल बोर्ड का, उसका TDS 140 समथिंग निकला था आज भी, तो इतना तो पी सकते हैं। पर लेकिन फिर भी आरओ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि कभी कभी पानी ख़राब आता है बरसात के टाइम पे, तो उस वक्त चाहिए होता है। और टैंकी भी, वाटर टैंक जो ऊपर है वो मतलब मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस में क्लीन नहीं हो पाती, क्योंकि तो काफ़ी हाइट में है, तो उसके लिए फिर अरेंज करो सब कुछ, चुपो सब, तो इस वजह से ये टैंकी मतलब ये लगाया हुआ है आरओ पर। लेकिन पानी इतना सही है यहाँ का कि हमको आरओ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए इतने दिनों से मैं ना इस ये फ़िल्टर से काम चला रही थी, सिलेंडर वाला फ़िल्टर मैंने आपको दिखाया, मैं इसी से काम चला रही थी। ओप्स, हाँ, तो मैं इसी से काम चला रही थी और काम अच्छे से चल रहा था। और अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ विंटर समर्स में, तो मैं इसे निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो है मैं खाना बनाने के लिए पानी इसी से फ़िल्टर करती हूँ, और पीने के लिए जो पानी है वो आरओ का हम यूज़ करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करेंगे, 8-10 हो गया, आज पूरा दिन भर ना ऐसे ही रहा काम धाम बस, और कुछ नहीं। बालकों ने थोड़ा सा क्लियर किया है, थोड़ा सा उसको ठीक करना था, मैंने बताया जैसे कि मैसी हो रही थी, काफ़ी दिनों से ध्यान नहीं दिया था उस पर, और ये सब था, तो इस वजह से सुबह 12 बजे, तो मैं 12:30 बजे मैंने अपना लंच बना लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा काम किया, फिर धूप हो गई तो मैंने छोड़ दिया काम, लंच के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, और उसके बाद फिर मैं दोबारा काम में लग गई बालकोनी की, तो उसमें मेरी नंदन ने भी हेल्प की। अब वो जो है ऊपर गए हैं छत पर वॉक करने के लिए, क्योंकि आजकल क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं तो बाहर तो जाना नहीं है कहीं, तो बैठे बैठे मतलब जो लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं ना मीन्स रेगुलर बेसिस में ऑफिस वगैरह, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो घर में बैठे, तो ऐसी प्रॉब्लम है। और जो नहीं जाते उनको इतनी फील नहीं हो रहा, तो उनका अच्छा कट रहा है घर पे, लेकिन उनको फील ये हो रहा है कि घर वाले सारे घर पे हैं और इतना डिमांडिंग है कि उनकी डिमांड्स करते करते वो थक जा रहे हैं जो घर पे रहते हैं, तो ऐसा है कुछ। पर ये क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन ये सब भी बहुत सी चीज़ें सिखा के चले जाएगा, और वक्त तो जो है गुजरता ही है, मतलब कोई भी वक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो रुकता नहीं है, निकल जाता है, तो ये टाइम भी निकल जाएगा, जो ये स्ट्रेस है कोरोना का ये भी निकल जाएगा, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है टाइम की। इवन हमारे यहाँ भी हमारी लोकेलिटी में भी एक केस अभी कल फिर कोरोना का आया, और वीडियो भी आई उसकी मेरे पास, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि छन लगता है ये सब चीज़ें, पर वो कोरोना का केस है, पास की गली में, मतलब हमारी नेक्स्ट जो स्ट्रीट है उसी में ही है वो केस आया हुआ, तो ऐसा है, कोई बात नहीं, कट जाएगा, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे। एनीवेज, तो मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात कि हमारा आरओ लग गया। आरओ की मुझे एक्चुअली टेंशन मेरी वजह से नहीं थी, माइका के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि
समर्स जो आते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं, मैं पानी वगैरह ख़राब होने से पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, बहुत सी चीज़ हो जाती है बच्चों के साथ। इस वजह से मैं थोड़ा सा डरी हुई थी क्योंकि एक तो कोरोना चल रहा, हॉस्पिटल वगैरह जा नहीं सकते, और ऐसे में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ना वाली सिचुएशन आ जाती मेरे लिए। इसलिए मैंने क्या बोलते हैं और फिल्टर जो अपना आर ओ जो है वो अपना सर्विस करवा लिया जैसे ही खुला लॉकडाउन। तो ये था। और अब मैं जाऊंगी बनाने के लिए डिनर, 8-10 हो गए हैं रात के, और डिनर में अब मुझे कुछ ऐसा खास बनाना नहीं है आज, तो थोड़ा सा ही छुटपुट कुछ एक साइड डिश कुछ भी बना लूँगी और चपाती बना लूँगी, बाकी सांभर तो रखा हुआ है वो यूटिलाइज हो जाएगा अभी, तो ऐसा है। और मैंने आर ओ चला रखा है, तो इस ब्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए, माइंड से जुड़े रहने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे होता है और जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसके साथ आप बेल आइकन भी हिट कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।